नमस्कार, मैं हूं बेबी कुमारी और अभी आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज 24। बड़ी खबर है, जमुई महाराष्ट्र सरकार द्वारा निजी चैनल के पत्रकार अर्णव गोस्वामी की गिरफ्तारी पर देश भर के पत्रकारों में रोष व्याप्त है। हर जगह महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ विरोध जताया जा रहा है। इसी क्रम में गुरुवार को जमुई के पत्रकारों द्वारा विरोध जताया गया। जिला मुख्यालय के पत्रकारों ने महाराष्ट्र सरकार द्वारा पत्रकार अर्णव गोस्वामी के साथ किए गए दुर्व्यवहार एवं अमानवीय कार्यवाही पर घोर निंदा की गई। जमुई के पत्रकारों ने विरोध दर्ज करते हुए शहर के कचहरी चौक से पैदल मार्च करते हुए समाहरणालय होते हुए जिलाधिकारी आवास पहुंच जिलाधिकारी धर्मेंद्र कुमार को ज्ञापन सौंपा। जिलाधिकारी के माध्यम से देश के महामहिम राष्ट्रपति के नाम दिए ज्ञापन में निजी चैनल के संपादक अर्णव गोस्वामी की गिरफ्तारी और उनके साथ किए गए अमानवीय व्यवहार की निंदा की। साथ ही महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लागू करने की भी मांग की। वही ज्ञापन की प्रतिलिपि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष को भी भेजा गया है। मौके पर ब्रिजमोहन भगत, पंकज श्रीवास्तव, गौतम गुप्ता, प्रशांत किशोर, अर्जुन अर्णव, विनीत कुमार, पंकज मिश्रा, विकास कुमार पांडेय, संजय संजीव, अजीत कुमार केशरी, धीरज सिंह, विजय कुमार, राजीव कुमार लक्की अली, मुकेश कुमार, कुमोद कुमार, गोपाल पांडेय, जयप्रकाश भगत, सदानंद पंडित, अमित कुमार सहित कई पत्रकार साथी मौजूद थे। जमुई से विजय कुमार की रिपोर्ट। पंकज भैया, हमसे बात करने की कोशिश करेंगे कि सर, किस तरीके से गिरफ्तारी, इस गिरफ्तारी को आप किस नज़रिए से देखते हैं? ये गिरफ्तारी काफ़ी घृणित है। एक पत्रकार हैं, वो कोई अपराधी नहीं है, लेकिन अपराधियों की तरह उन्हें घर से निकाला गया, उनके परिवार के सदस्यों को भी बेइज्जत किया गया, यह काफ़ी निंदनीय है। हम जमुई जिले के सभी पत्रकार इसके कटु शब्दों में निंदा करते हैं। क्या नहीं लगता है कि जिस तरीके से गिरफ्तारी हुई, एक आतंकवादी की भी गिरफ्तारी इस तरीके से नहीं की जाती है? और जिस तरीके से एक जो कि कहा जाता है कि जो इसमें शामिल एक अधिकारी थे, वो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट थे उसमें, क्या नहीं लगता है कि जिस तरीके से पूरी गिरफ्तारी हुई है, बिल्कुल गलत तरीके से हुई है? बिल्कुल गलत है, और ये एक लोकतंत्र के चौथे खंभे पर सीधा सीधी हमला है, और महाराष्ट्र सरकार ने जो कुछ भी किया है वो निश्चित रूप से घृणित और निंदनीय है। आज हम लोग जिलाधिकारी के पास आए हैं, किस तरीके का बात उनसे किया जाना चाहिए, विरोध जताना चाहिए? हम लोग विरोध जता रहे हैं, ज्ञापन दे रहे हैं, और जिलाधिकारी के माध्यम से हम लोग आग्रह करेंगे कि यह सरकार के पास भेजा जाए। हमारा यह विरोध है कि इस तरह की निंदनीय घटना फिर कभी ना हो किसी भी पत्रकार के साथ। देखिए, और भी पत्रकार हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, मुन्ना भगत हैं, हमारे बड़े भाई जैसे हैं, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि भैया बताइए, किस तरीके से गिरफ्तारी को किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, जिस तरीके से उनकी गिरफ्तारी हुई है, एक आतंकवादी की गिरफ्तारी वैसे नहीं होती है, लेकिन समाज के इस चौथे स्तंभ के साथ जिस तरह से घृणित कार्य किया गया है, ये सही में निंदनीय है, और इसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। बिल्कुल सही बात की है। हमारे साथ हमारे प्रशांत जी हैं, अच्छे पत्रकार हैं जम्मू से, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि इस गिरफ्तारी को आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, गिरफ्तारी जो हुई है, इसमें ये सरासर देखा जा रहा है कि सरकार जो है एक पक्षी कार्यवाही कर रही है। अब बिना संबंध दिए या किसी तरह का बिना सूचना किया, रात के अंधेरे में जिस तरह से ये किया जाता है, ये बहुत ही गलत है। और इसका हम लोग जमुई ज़िले के जितने भी पत्रकार बंधु हैं, बड़े छोटे सभी, इसका घोर निंदा करते हैं, और हम लोग मांग करते हैं कि ये महाराष्ट्र सरकार में, ये आपातकाल की स्थिति है, इसमें महाराष्ट्र सरकार में तुरंत इमरजेंसी लागू किया जाए, क्योंकि पत्रकारिता पर ये सीधा सीधा कुठाराघात ये किया जा रहा है। क्या नहीं लगता है अनुज जी कि महाराष्ट्र सरकार जो है अपनी जो राजनीतिक इच्छा शक्ति है उसको कहीं ना कहीं दांव पे लगाते हुए इस तरीके की कार्रवाई पत्रकार के साथ? बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल अर्णव के साथ गलत हुआ है, और महाराष्ट्र सरकार ने जो किया है वो काफ़ी निंदनीय है। सरकार को चाहिए, प्रधानमंत्री को चाहिए कि पत्रकार के अधिकार की रक्षा के लिए कोई ठोस कानून बनाया जाए, ताकि इस तरह का हरकत करने के किसी भी राज्य सरकार या किसी भी पुलिस पदाधिकारी या किसी भी अन्य अधिकारी की हिम्मत ना हो सके। बिल्कुल सही बात। देखिए, हमारे साथ थे ये अर्जुन अर्णव थे, एक अच्छे पत्रकार हैं, इन्होंने साफ तौर पे मांग भी की है केंद्र सरकार से कि जिस तरीके से पूरी प्रक्रिया की जा रही है वो बिल्कुल गलत है, और इन्होंने अच्छी एक मांग की है पत्रकारों के लिए, एक जो देश के केंद्र सरकार हैं, केंद्र सरकार की ओर से एक ऐसी पहल की जानी चाहिए ताकि इस तरीके का मामला सामने ना हो सके।